सफर शुरू हुआ है एज ए डायरेक्टर फिल्म का, वो सेम प्रोड्यूसर हैं निशिकांत जी जो मेरे साथ में हैं, और इन्होंने फिर से वापस मुझे डायरेक्शन की कमान अपने हाथों में दी, मेरे हाथों में कि आप ही नेक्स्ट फिल्म डायरेक्ट करिए।
तो ये सौभाग्य है कि एक प्रोड्यूसर वापस आपको रिपीट करता है फिल्मों के लिए, तो इसके लिए तो सबसे पहले सर को तहे दिल से शुक्रिया है कि इन्होंने मुझ पर वापस दोबारा विश्वास किया है और जिम्मेदारी सौंपी है कि आप वापस एक और फिल्म बनाइए कल्लू को लेके, जिसका नाम है कल्लू करोड़पति। मेरे साथ हैं मनोज पांडे जी, मेरे फिल्म के राइटर, जो स्क्रिप्ट यही कर रहे हैं, स्क्रिप्ट यही लिख रहे हैं कल्लू करोड़पति का। निशिकांत जी, ये जो तिकड़ी है आपकी चंदन कल्लू की, ये दूसरी बार रिपीट होने जा रही है, और मैं सीधा सवाल पूछता हूँ कि बेसिकली क्या ऐसा रिपीट लगा इस चोरी के बारे में, या क्या अच्छी चीज लगी कि आप लोगों ने फिर से मौका दिया? देखिए, बहुत पहले हमने सोच लिया था कि 3 फिल्म कंटिन्यू हम कल्लू के साथ करेंगे, है ना, तो हमने साइन भी किया था और बहुत अच्छा एक्टर है, नो डाउट, यंग लड़का है, डायनेमिक है और काम के प्रति बड़ा वफादार है। धीरेन्द्र सिंह के साथ भी हम कर रहे हैं, लेकिन क्या ना, अभी जो हम ये कर रहे हैं इसके बाद दूसरी फिल्म है कलवा करोड़पति के बाद फरवरी में हम कर रहे हैं भगवान हाजिर हो, है ना, लेकिन उसमें हमारे प्रोडक्शंस के चंदन जी केवल डायरेक्टर नहीं है, ये हमारे प्रोडक्शंस के एक भाग है, लेकिन उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है सचिन यादव जी, लेकिन उसी भाग में इसके बाद एक और फिल्म बना रहे हैं जो कि वो भी आज ही फाइनल हम लोग ने किया है, वो रहेगा कल्लू की दुल्हनिया, वो डायरेक्ट करेंगे चंदन। क्या है अभी ये जो प्रोडक्शन हाउस है हम लोगों का पीएनजे फिल्म, ये बेसिकली हम लोग कॉर्पोरेट लेवल पे शुरू कर रहे हैं कि एक हमारी टीम है और जिसमें बाकी अदर डायरेक्टर्स भी आएंगे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके, तो हम लोग उनके साथ प्लान कर रहे हैं, चाहे वो बड़े डायरेक्टर हो या छोटे प्रोजेक्टर प्रोडक्ट हो, हम लोग प्लान कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्टर के साथ। ये कोई जरूरी नहीं कि इस प्रोडक्शन की जितनी फिल्में बने वो मैं ही करूं, बाहर के डायरेक्टर भी और सारे डायरेक्टर मेरे मित्र हैं, चाहे वो बड़े डायरेक्टर हो या फिर नए लड़के आ रहे हैं, तो मैं भी उसी में से हूँ, मैं भी नया ही हूँ, मैं भी बहुत बड़ा डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं भी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी तीसरी, ये चौथी फिल्म है एक्चुअली कल्लू के साथ, मैंने 3 फिल्में किया, हैट्रिक हुआ है, उसके लिए आप लोग मुझे शुभकामनाएं दे सकते हैं, एक हीरो के साथ 3 फिल्में रेगुलर होना है, तो ठीक है, ये चौथी फिल्म है हमारी जिसका नाम है कल्लू करोड़पति। शुभकामनाएं देने से पहले मैं ये पूछूंगा कि सिर्फ कल्लू के साथ ही फिल्में क्यों करते हैं चंदन, कोई और आर्टिस्ट चंदन के साथ नहीं करता या चंदन किसी और के साथ नहीं करते? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास जितने भी लोग प्लान करते हैं वो बेसिकली बोलते हैं कि कल्लू के साथ ही मुझे फिल्म करना है और आप ही डायरेक्ट करिए, तो अच्छी बात है कि कोई तो विश्वास करता है मेरे ऊपर कि कल्लू को लेके मैं फिल्में बनाता हूँ, अच्छी फिल्में बनाता हूँ, मुझे, मेरे लिए सारे लोग इम्पोर्टेंट है, चाहे वो नया एक्टर हो या फिर बड़े सुपरस्टार, चाहे वो दिनेश जी हो, पवन जी हो, खेसारी हो, सब लोग, ये मैंने नहीं लगता कि मैं किसके साथ करता हूँ, लेकिन जिस दिन करूंगा जिसके साथ में, तो उसके साथ उतनी ही तल्लीनता से करूंगा जितनी आज कल्लू के साथ करता हूं। आप करेंगे, देखते हैं, कोशिश जारी है। कहानी बात बताइए सर, राइटर साहब। एक्चुअली ये कहानी का स्क्रीन प्ले और जो स्टोरी ऑनलाइन है वो मैं कर रहा हूँ, डायलॉग मनोज जी कर रहे हैं। ये रोमांटिक कॉमेडी है बेसिकली, और करोड़पति बनने का एक सफर जो होता है वो एक लड़का कैसे पूरा करता है, वो उसका पूरा ये जर्नी होगा उसका, जीरो से लेके और करोड़पति बनने तक का। कभी हमने देखा था टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति, अब कलुआ करोड़पति बन रहा है, मतलब कलुआ एक ब्रांड के तौर पर डेवलप हो रहा है। यस, कोशिश तो ये है कि ब्रांड के तौर पर डेवलप हो, और मैं अपना काम बेसिकली कर रहा हूँ, मैं किसी को ब्रांड नहीं बनाना चाह रहा हूँ, वो खुद ही अपने आप में एक ब्रांड है। जो लड़का 8-9 साल में आके और स्टेज पे चढ़ के और रात भर परफॉर्म करता था लाखों पब्लिक के बीच में, उसको कोई ब्रांड क्या बनाएगा, वो खुद अपने आप में एक ब्रांड है। तो हम लोग सिर्फ उसको, जो मेरा काम है एज ए डायरेक्टर फिल्म करने का, मैं अच्छी फिल्में करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी ब्रांड बनाना तो ऊपर वाले हैं, उसको खुद ही करवा करोड़पति। ये अक्टूबर में जाएगी, अक्टूबर आफ्टर डीपी, दुर्गा पूजा के बाद शूटिंग फ्लोर पे जाएगी इसकी। निशिकांत जी, आपने बताया कल चंदन को पहली बार आपने मौका दिया बतौर डायरेक्टर आपने फिल्म के लिए, जो डेडिकेशन आपने देखा था उस वक्त, क्या आप भी आप उस चंदन उपाध्याय में देख रहे हैं? वो तो है, तभी तो हमने, देखिए पहले तो हमने हिंदी फिल्म बनाई, भोजपुरी मेरी पहली फिल्म थी आवारा बलम, मुझे इनमें कुछ ऐसा लगा जो कि ये अच्छे टेक्नीशियंस हो सकते हैं, इन्होंने काम किया और प्रूव करके बतलाया, मुझे उस फिल्म में कोई लॉस नहीं हुआ। हमने कोशिश किया कि भाई ये अच्छी फिल्म बनी, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई,
नो डाउट, और भगवान करे आगे भी उसी तरह का ही काम करेंगे, है ना। आप आगे देखते हैं चंदन, आपकी फिल्म रिलीज पर है, जरा बता कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है। मेरी अभी बब्बर रिलीज पे है, और नेक्स्ट मंथ रिलीज हो रही है फिल्म बब्बर। और अभी रिसेंटली मैंने एक और फिल्म किया है जिसका नाम है प्रयागराज। तो ये हम दशहरा में, मेरी प्लानिंग है कि दुर्गा पूजा में उसको रिलीज करें। तो ये फिलहाल दो फिल्में हैं, बब्बर और प्रयागराज। करुआ करोड़पति कब तक चाह रहे हैं कि बनके तैयार हो जाए और आ जाए थिएटर्स में? ये हम लोगों का प्लानिंग है आफ्टर डीपी। मैंने आपको बताया कि दुर्गा पूजा के बाद हम लोग शूटिंग का प्लान कर रहे हैं ये फिल्म, और रिलीजिंग की बात है तो हम लोग होली के आसपास रिलीज पे आएंगे उसको। ठीक है, थैंक यू जी। चंदन भाई जरा बताएं मैडम के बारे में। ये श्रव्या, इनका नाम है श्रव्या श्रेया, और इनको बताओ, हम लोग इंडस्ट्री में भी लॉन्च कर रहे हैं एज ए लीड हीरोइन फिल्म में। और आपको बताओ, ये मिस फेमिना कंटेस्टेंट रही हैं, और बहुत आगे तक इन्होंने अचीव किया था। और चूंकि बिहार से ही रहने वाली है, डेडिकेशन है भोजपुरी सिनेमा को लेके, क्रेज है कि नहीं सर मुझे करना है भोजपुरी। चूंकि आम आजकल लड़कियाँ जो भी आती हैं वो थोड़ी सी वो मिलता है तो बोलता नहीं मुझे तो भोजपुरी नहीं करनी है, ये नहीं करनी है, वो नहीं करनी। बट इनके अंदर वो क्रेजीनेस था कि नहीं सर मुझे भोजपुरी करना है और मुझे भोजपुरी में ही अपना करियर बनाना है। और मुझे भी लगा कि नहीं, कैपेबल भी हैं और डिजर्व करती हैं, इनको एक मौका दिया जाए हम लोग इंडस्ट्री में। तो निशिकांत सर ने और हम लोगों ने मिलकर प्लान किया कि नहीं इस बार एक नई लड़की लॉन्च करते हैं। श्रेया श्रव्या श्रेया नाम है उनका। जी मैडम, आप जरा बताएं अपने बारे में। और इन्होंने कहा, जैसा चंदन ने कहा कि आप भोजपुरी करना चाहते थे, फेमिना कंटेस्टेंट रहने के बाद आपको टीवी सीरियल्स में या हिंदी या किसी और दूसरी रीजनल इंडस्ट्री में भी काम मिल सकता था, आपने भोजपुरी को क्यों चूज किया? मेरी डेब्यू मूवी बॉलीवुड से ही है, 2019 में रिलीज हुई है, एसपी चौहान। और मॉडलिंग एज अ पार्ट टाइम आप कह सकते हो मेरा पैशन है। 2016 मिस रोहिणी रही हूँ मैं दिल्ली से, और 2018-17 मतलब कुछ ना कुछ मैं जीतती रही हूँ नॉर्थ इंडिया। रिसेंटली मैंने फैशन लीग ऑफ इंडिया की मैं मिस इंडिया बनी हूँ। और मेरा भोजपुरी में क्रेज इसलिए क्योंकि मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, बिहार से, पटना। तो इसको लेकर के नज़रिया बहुत लोगों का अलग अलग होता है, मतलब सबको पता ही होगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैंने जो सीखा है और इसको और अपने तरीके से मैं अपना कितना फुल एफर्ट डाल सकती हूँ अपने कल्चर को और बेटर बनाने के लिए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने रिलीजन को आगे बढ़ाऊँ। आपका क्या नज़रिया है भोजपुरी को लेकर? मेरा नज़रिया यही है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे लिए लैंग्वेज, कास्ट, स्टेट कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो वो रोल जो मुझे दिया जा रहा है, और मैं अपने कंफर्ट जोन में आकर के कुछ भी करूंगी जो आप लोगों को पसंद आए। कल्लू से कभी आपकी मुलाकात हुई या फिर कल्लू के गाने सुने, कोई फिल्म देखी? हुई है, 2000 के समय मिले थे हम, लास्ट ईयर 2018 में। हाँ। जब हमारी फिल्म रिलीज हो रही थी कल्लू का रोल थी, तो रिलीजिंग पे मैडम आवारा बलम, आवारा बलम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मैं मिली थी। कैसे लगे कल्लू, कोई आपने उनका गाना सुना है या फिर फिल्म देखी? हाँ, वो बहुत अच्छे फ्रेंड है, हमारी बात भी होती है कभी कभी। बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड नेचर के हैं, और एटीट्यूड नहीं है उनके अंदर, वो भोजपुरी इंडस्ट्री के जस्टिन बीबर कह सकते हैं उनको। तो अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। अच्छा, एक नया नाम है मेरा, जस्टिन बीबर और भोजपुरी सिनेमा। यस, यू कैन से दैट। कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है अरविंद अकेला कल्लू जी का? आवारा बलम का ही एक सॉन्ग था, मुझे याद नहीं आ रहा उसका लिरिक्स, वो आइटम सॉन्ग टाइप का कुछ था। भतार खाली बने, हाँ भतार खाते बने था समथिंग, छक्का छोड़ा था। हाँ, ये मुझे बहुत। आपको भोजपुरी आती है लैंग्वेज? आवेला तनी तनी। तो आपको और पॉलिश करनी है? हाँ, वो मैं कर सकती हूँ, मेरे लिए कोई हार्ड चैलेंज नहीं है। ठीक है, और स्टेज से बिलोंग करती हूँ? मैं थिएटर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आज अपने देशवासियों को 15 अगस्त और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आज हमारे लिए तीन तीन फेस्टिवल है, रक्षाबंधन, 15 अगस्त और एक फिल्म का मुहूर्त। तो बहुत ही खुशी है कि सर जी ने मुझे बहुत 2 साल पहले जो है एक बार बोले थे सचिन आपको एक साथ हम लोग फिल्म करेंगे, तो आज मुझे जब कल एक बताया गया।
एक साल डेढ़ साल पहले जो है सर जी ने बताया था कि सचिन आपके साथ फिल्म करनी है, तो उस दिन का जो है आज का दिन इंतज़ार था मुझे, तो कल सर का फ़ोन आया कि सचिन कल मुहूर्त कर रहे हैं फिल्म का, एक साथ जो है दो दो फिल्में हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक साथ मुहूर्त करेंगे। अभी तो फिल्म का नाम जो है फरवरी में आ जाएगा, फरवरी में है, नाम है फिल्म का भगवान जी हाजिर हो। अच्छा जी, क्या स्टोरी लाइन है उसमें भी काफी चार लड़के हैं, चार लड़के हैं, मैं बताता हूँ क्योंकि वो स्क्रिप्ट रेडी है मेरे पास, बुक बाइंडिंग है और अभी उनको कल ही, क्योंकि आज पूर्णिमा था, आज ही इनको स्क्रिप्ट देंगे भाई, आप देख लीजिए इसमें, पढ़ लीजिए, सब चीज़ कर लीजिए, वैसे ब्रीफ कर दिए थे इनको, तो उसमें चार दोस्तों की कहानी है, उसमें चार लड़के रहेंगे, एक कल्लू रहेगा, एक रितेश करके वो लड़का है एनएसडी से, और दो और मार्केट के, भोजपुरी मार्केट के लड़के रहेंगे, तो चार, इसमें चार हीरो की कहानी है, चार हीरो यानी बचपन से लेकर के, और भगवान हाजिर हो कोई रिलीजियस फिल्म नहीं है। अच्छा, ये है आम जिंदगी से जुड़ा हुआ फिल्म। इसमें इसका स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा है कि भाई जो आज के दौर में जो नवयुवक जो रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो बच्चों में जो घटनाएं घटती है उनके साथ और वो कैसे हरस्ट होते हैं पुलिस से या समाज से, फिर बाद में वो निकल करके बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद दोस्त होते हैं तो देखते हैं कि बाहर का माहौल अलग है, और हम अनाथालय में पलते थे तो वो बाल सुधार गृह में उसका माहौल अलग है, तो वो पब्लिक को कैसे जी उसको प्रेजेंट करते हैं, सब चीज़ करते हैं कि और ये कुछ ईमानदार आदमी हैं, कोई अपने भ्रष्टाचारी हैं, उनसे लड़ते हैं, और इसी तरह की कहानी का चोरी हो जाएगा। सचिन, आप सिर्फ डायरेक्टर की भूमिका में होंगे या कोई कैरेक्टर भी करेंगे? नहीं नहीं, मैं ओनली फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले रोहित सिंह मटरूर, भोजपुरिया मौसा का प्यार बना नमस्कार। जरा बताएं, दो फिल्मों की बात हो रही है यहाँ पे, दो फिल्मों का ऐलान किया गया, घोषणा की गई, आप बताएं जरा, शुभकामनाएं देने में हैं या फिर फिल्म में भी हैं? नहीं, शुभकामनाएं देने में तो नहीं है, फिल्म में है, शुभकामनाएं वाले में नहीं जाते हैं, दूल्हे से शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि पहले भी मैं निशिकांत झा जी के सर के साथ, रामचंद्र जी के साथ मैंने काम किया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आज पूजा है और एक छोटा सा मुहूर्त, आज दिन अच्छा है, रक्षाबंधन का दिन है, 15 अगस्त है, तो आज कुछ अच्छा से किया जाए शुरुआत, तो बस आ गए हैं। नई हीरोइन लॉन्च हो रही है, इनके बारे में भी कुछ कहिए। पहली बार देखा हूँ मैं इनको, और अभी पता चला कि पटना से ही है, तो पटना वाले हैं, तो खुशी ज्यादा हो गई है। हाँ, जाहिर सी बात है, तो जो कलकत्ता से, लंदन से, अमेरिका से, दुबई से लोग ला रहे हैं, निशिकांत झा जी को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि भाई खांटी बिहार से खोज खोज के ला रहे हैं, ये कम बात थोड़ी है। नहीं तो बॉलीवुड से आई है ना, लेकिन बॉलीवुड देखिए रूट कहाँ है, जड़ अगर पटना से स्टार्ट हो गई, पूरा शाखा भी तो पूरा इंडिया फैलना है इनको, पूरा वर्ल्ड फैलना है, तो रूट लेकिन पटना ही रहेगा, क्या बना प्राउड टू बी बिहारी। यस, एक बिहारी सब बिहारी, और नाम रखे हैं त्रिपुरारी, भोले बाबा रंग बिहारी है भाई, तो महादेव। हाँ, तो फिल्म यही है कि बस निशिकांत झा जी और चंदन जी को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि साइलेंट नहीं रखते हो। चलिए, किसकी वजह? निशिकांत झा जी और चंदन जी को बधाई देना चाहता हूँ कि फिर से एक साथ जुड़े हैं, और एक पहले भी हम आवारा वालों में इनके साथ काम किए थे, तो आशा करता हूँ कि उससे भी बड़ी और बेहतर फिल्म बनाई ये लोग, और मैं उसका हिस्सा बनूँ, ऐसा बस है। थैंक यू, धन्यवाद। कलवा करोड़पति का भी अनाउंसमेंट की गई है, उसका भी मुहूर्त किया गया है, इसी भी म्यूजिक वाली जिम्मेदारी आपके पास होगी, बताएं जरा। बस जैसा कि आपने इंटरव्यू कुछ देर पहले भी किया था किसी फिल्म के लिए, और ये दूसरी फिल्म है मेरी जिसका आज हम लोग मुहूर्त एक गाने के साथ कर रहे हैं। फिल्म का नाम है कलवा करोड़पति, बहुत ही इंटरटेनिंग फिल्म है, जैसे कि कहानी हमारे डायरेक्टर चंदन जी ने और हमारे प्रोड्यूसर साहब झा जी ने सुनाया, बहुत बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत इंटरटेनिंग है, तो हम लोग आज कुछ मस्ती भरे दो गाने की रिकॉर्डिंग करेंगे आज।
कवि जी, इस पे आपके कितने गाने हैं इस फिल्म के? अगर हम बात करें जो दूसरी फिल्म है कलवा करोड़पति के, इस फिल्म में एक मनोरंजक फिल्म है। मैं सर्वप्रथम तो इस फिल्म के लिए भी और इस आज़ादी दिवस पे, स्वतंत्रता दिवस पे समस्त देशवासियों को एक ही बात बताऊंगा कि आज हमारे कुछ हिंद में इसे फरिश्ते हुए, करता कदर कौन माता मही की, अगर जन्म लेने के रिश्ते न होते, आज़ाद होता न भारत हमारा, अगर हिंद में कुछ फरिश्ते न होते। क्योंकि आज उन्हीं लोगों की देन है कि हम किसी फिल्म की मुहूर्त कर पा रहे हैं, किसी फिल्म की शूटिंग कर पा रहे हैं, क्योंकि आज हम आजाद हैं। तो इसलिए समस्त देशवासियों को पहले बधाई देते हुए इस फिल्म के बारे में कहूंगा कि मनोरंजक फिल्म है और फूल मसाला के साथ, फूल एंटरटेनमेंट के साथ ये फिल्म है। इसमें गाने सिचुएशन के अनुसार 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। और इसमें हम लोग 2-3 राइटर हैं, हमारे छोटे भाई आजाद सिंह, श्याम देहाती, मैं, और जिस सिचुएशन का, जिस हर एक आदमी का एक अलग अलग टेस्ट है, आजाद का एक अलग टेस्ट है, श्याम देहाती का अलग टेस्ट है, मेरा एक अलग टेस्ट है। तो डायरेक्टर साहब हमारे जो चंदन उपाध्याय, अलग सोच विचारधारा के एक डायरेक्टर हैं, जिनकी बातों में कुछ न कुछ नई बातें मिलती है, तो उनको खुद पता है कि किस सिचुएशन का गाना किससे हम लिखवाएंगे। और मैंने ये ओम झा भाई को पता है, तो अभी तो 2-3 गाने पे काम हुआ है और 2 रोमांटिक सॉन्ग हैं जो आज हम लोग उसको शूटिंग करेंगे, अरे शूटिंग नहीं, रिकॉर्ड करेंगे और इसके बाद आगे हम कुछ करेंगे। आजादी की बात हो रही है और आजाद को भी साथ में, आप बताएं जरा कौन से गाने की जिम्मेदारी इस फिल्म में ली है? चंदन जी, तुम मुझे हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि हॉट गाना चाहिए। खबरदार, मेरे सिनेमा में हॉट गाना यही जिम्मेदार। हॉट गाना मतलब खाली, मतलब मैंने कभी चलने वाला, बजने वाला, मतलब कमर्शियल, ये बोलिए कमर्शियल गाने बोलिए के लिए, मैंने कभी भी हॉट मतलब गलत नहीं, ये कमर्शियल गाने की बात, कमर्शियल गाने की बात। हां कमर्शियल, और वैसे भी आजाद सिंह को लोग कमर्शियल गाने के लिए ही जाना जाता है, तो हमारे डायरेक्टर का डिमांड है तो मेरा फर्ज है पूरा करना। नहीं बट आप तो बहुत सारे गाने लिखते हैं कमर्शियल के साथ साथ, आप तो हर टाइप के गाने लिखते हैं। और बेसिकली मैं जितनी भी फिल्में करता हूँ उसमें मेरी तिकड़ी, एक हम लोगों की जो तिकड़ी है श्याम जहाती, आजाद सिंह और प्यारलाल कवि जी की, तो ये तीनों तिकड़ी मैं तो म्यूजिक डायरेक्टर से डिमांड करता हूँ कि भैया मुझे ये 3 तिकड़ी होने चाहिए मेरी टीम में। बिकॉज ऑफ जब से मैंने इंडस्ट्री में आया हूँ तब से एक फ्रेंडली भी रहे हैं बहुत, हर चीज़ पे बैठ के डिस्कशन करना, डायरेक्टर बनने के बाद भी वही निरंतर चल रहा है, तो वो है जिम्मेदारी इनके ऊपर गाने लिखने की। मजा आ रहा है और बहुत डिफरेंट स्टोरी है, कलवा करोड़पति टाइटल से ही समझ सकते हैं हम लोग, काफ़ी मजा आएगा फिल्म बनने के बाद। और संजोग से आज मेरा भी जन्मदिन है, तो मंजुल भाई का भी आज जन्मदिन है, तो मैं भी सोचा आपका जन्मदिन हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं। आज का दिन बहुत, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।